So yes, standard 10th. We have, let me tell you one thing in this video. I don't know whenever you are going to receive this video, but mujhe, because I got to know it today, that if you might have not done many of the chapters, we have already completed. We are right now doing chapter number 17. ठीक है, तुम जब भी देखो, I don't know जब ये video मिलेगा तुमको, ये already बहुत past videos चल रहे हैं. और अगर कोई भी पार्ट ऊपर नीचे है तो प्लीज वो देखना उस तरीके से, पार्ट 1, 2, 3 के तरीके से. बहुत सारे चैप्टर्स जो है टुडे द वीडियो आई एम राइट नाउ मेकिंग, उसके साथ लाइट मी टेल यू बट दैट हमारे कुछ पोर्शंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. अभी हम चैप्टर नंबर 17 द चैलेंजेस ऑफ इंडिया पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें भी हमारा पूरा पॉवर्टी जो है वो कम्प्लीट हो चुका है. उसमें हम लास्ट टॉपिक में है पॉवर्टी में, और रिवॉर्ड स्कीम्स और जो दो चार स्कीम्स बाकी है, उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड लेबर मार्केट, उसको हम स्टार्ट करेंगे. बट अप टिल टुडे द डे आई एम शूटिंग दिस वीडियो, हमारा स्टैंडर्ड 10th का कुछ पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है. आई थिंक 6 to 7 चैप्टर्स आर मोर देन दैट. आई नीड टू चेक इट आउट अगेन. उतने हो चुके हैं जबकि तुम लोगों ने उतने शायद देखे नहीं हैं. अब बात रही कि तुम जो वर्कशीट्स कर रहे हो, या तुमने अब तक जब तक ये वीडियो मिलेगा शायद 5-6 वर्कशीट्स कर ली होगी, उसके अंदर जो भी सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं. नाउ आई डिडंट न्यू दैट यू डिडंट गॉट दोज वीडियोज, और इफ तुमको मिले या नहीं मिले मुझे नहीं पता था, बट जैसे जैसे मेरे जो जो कंप्लीट हुए थे एज अकॉर्डिंग टू बींग्स एज दे सेड टू मी कि मुझे वही चीज़ें करनी थी, तो अब ये डाउट आ सकते हैं जो आया भी है मेरे पास एक, कि कौन से चैप्टर से क्या पूछा है, वी डोंट नो. ओके, तो नाउ आई हैव नॉट बीन सेट टू गिव यू चैप्टर नेम. ठीक है, मुझे यही बोला गया कि आपने जो पढ़ाया है उसी में से वो लोग ढूंढ लेंगे, मतलब कि वॉट एवर आई हैव मेकिंग यू स्टडी हियर, तुम उसमें से वर्कशीट्स बना लोगे, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस फॉर्म करके देने थे. तो तुमको अब अगर वो कुछ डाउट हो रहे हैं तो काइंडली मेक श्योर कि तुम आइदर वो यहाँ पे कुछ लिख कर जाओ, और तुम तो स्टैंडर्ड 10th में हो, आई नो यू कैन हैव मैनी मीन्स. ठीक है, चाहते तो हम कंटिन्यू कर ही सकते हैं, बट नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि जो पास्ट में जो चैप्टर्स हो चुके हैं, चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर 10 हमारा पूरा हो चुका है. मेरा पहला चैप्टर ही चैप्टर नंबर 10 था, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 हो चुका है, चैप्टर 15 हो चुका है, चैप्टर नंबर 16 पूरा हो चुका है, चैप्टर नंबर 17 पे है हम, तो 15, 16, 17 हो चुके हैं, चैप्टर 9, 10, 11 हो चुके हैं, चैप्टर 1 हो चुका है, और हिस्ट्री का मुझे याद नहीं, तो 7 चैप्टर्स तो वहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं. उसके अलावा हमारे जो चैप्टर्स है जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं उसमें से भी मैं बता दूंगी. तो इतने सारे चैप्टर्स के अंदर तुमने अगर अब तक, जब ये वीडियो जब भी तुमको मिलेगा, आई डोंट नो तुमने तब तक कौन कौन से चैप्टर्स देखे होंगे, बट टुडे मैंने मोर देन 7 चैप्टर्स, आई थिंक 8 चैप्टर्स जो है आज पूरे हो चुके हैं हमारे, 7 या 8 तो हो ही चुके, ये 8th वाला चैप्टर है. ठीक है, सो प्लीज़ वो सारी वर्कशीट्स जो भी तुमको मिलेगी वो उन्हीं चैप्टर्स की वर्कशीट्स होंगी, चैप्टर 9, 10, 11, चैप्टर 1, चैप्टर 15, 16, 17. ठीक है, तो उन्हीं में से ऑफकोर्स होगी, तो प्लीज़ उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. है तो हम अभी नेक्स्ट में कंक्लूड कर लेंगे, आई डिडंट न्यू अबाउट इट. एंड अगेन, तुम जैसे लिख रहे थे प्लीज़ जैसा मैंने प्रिपेयर करवाया था जब तुम स्टैंडर्ड 9th में थे वैसे ही करो. तुम्हारी ये वर्कशीट्स है उसमें मार्क्स रखे जाएंगे, बट हाउ कैन आई पुट. ठीक है, तुम जब मेरे को लिख कर या आधा आधा लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है तो बहुत ज़्यादा लिखा है. फ्रॉम नाउ लाइक आई हैव गिवन लास्ट 3 वर्कशीट्स ऑफ 20 मार्क्स ओनली, तो तुमको कंप्यूट तो तुमको मैंने सिखाया नहीं था कि 2 मार्क्स में तो कितना आंसर लिखना है, 1 मार्क्स में कितना लिखना है, 3 मार्क्स में कितना लिखना है, 4 मार्क्स में कितना लिखना है. ऐसा थोड़ी, तुम 10th स्टैंडर्ड में हो तो तुम थोड़ा प्लीज़ कंक्लूड करो. तुम खुद पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जैसे एग्जाम देने बैठ रहे हो ना या पेपर लिख रहे हो ना वैसे करो. आई डोंट नो तुम मे भी सब तुम्हारा क्लासेस में स्टार्ट होगा, आई डोंट नो, हर एक जगह तुम अपने आप ही पढ़ रहे होंगे, पर अगर स्कूल से पढ़ रहे हो या इन वीडियो से कुछ भी पढ़ रहे हो और स्कूल की वर्कशीट से तुम कर ही रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करो. अच्छा, तुमने फर्स्ट बहुत अच्छी की थी, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, बट देन सम ऑफ द थिंग्स केम अप दैट आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है. बट एनी वेज,
प्लीज जो मैंने सिखाया वैसे करो। वर्कशीट सबसे जो होगी वो सारी डिफरेंट मार्क्स मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तुमको ये नहीं देखना कि ऑन द एनी और एनी रेफरेंस बुक में क्या दिया है, कितना दिया है, या टेक्स्ट बुक में। तुमको कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ना है पहले। ऐसा भी नहीं कि पढ़े बगैर लिख कर तुम कुछ भी दे दोगे। तुमको वीडियो देखना है, वीडियो के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। और अगर वो चैप्टर्स तुमको वो चैप्टर्स नहीं मिले या तुमने नहीं किए, तो हम एक बार फिर से रिवीजन एज अ रिवीजन भी हम यहाँ पे कर लेंगे। बिकॉज लास्ट 6 वीडियोज से टुडे आई एम मेकिंग द वीडियो ऑलरेडी, नहीं सॉरी लास्ट 8 वीडियोज मैं ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड में करवा रही हूँ। ओके, तो आई डोंट नो कि तुमको वो कब मिले या कब नहीं, बट एज ऑफ टुडे द डे दिस वीडियो इज केम अप द चैप्टर वी आर स्टार्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 17 या पार्ट 4 जब भी हम ये पार्ट शूट कर रहे हैं, एज ऑफ दैट डे हमारे इतने चैप्टर्स हो चुके हैं, हमारा उतना वर्कशीट्स भी उतना आ चुका है। और अगर तुम्हारा कुछ बाकी है तो मैं रिवीजन करवा दूंगी उस चीज़ का। और कोई भी कैसा भी डाउट हो फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली प्लीज़ टेल मी, क्योंकि हमारा 10th स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते 0.0% का भी कि कुछ भी बिगड़े, इवन दो ये पैंडमिक चल रहा है। ओके, लास्ट ईयर का रिजल्ट, यू नो द क्लास बैच ऑफ लास्ट ईयर। ओके, फिर अगर उनका रिजल्ट फिर भी अगर इतना अच्छा आ सकता है, मतलब एटलीस्ट आई नो अबाउट माई सब्जेक्ट, तो तुम तो स्टार बैच थे, ठीक है, तो तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इफ नहीं भी देख रहे हो वीडियो तो फिर अब तो आई डोंट नो, बट अगर बाकी कुछ भी हो तो प्लीज़ ऐसे करना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना, मैनेजमेंट को बताना है। Under this program, agriculture market has been set up for the farmers, in which farmers will get their products listed online. Trader may bid from any place. Objective of this plan is to save farmers from loss faced by them due to mediators, brokers, and they get more remuneration and earn more economic profit due to competition. Thus, such steps should be taken which develop agriculture and yield maximum returns, so that farmer remains involved in agriculture business. From ground. See, the pods came under this revolution. It was one of the most revolutionary step, because under this there was a time कि जब intermediaries जो होते थे ना उनको सबसे ज़्यादा profit चला जाता था, वो सबसे ज़्यादा कमाई कर लेते थे, जबकि farmers जो basic people है who are doing this much उनको जो share मिलना चाहिए उनको वो share नहीं मिलता था। but under this schemes उनको जो अपना product है उसको mobile apps जो भी बने थे, I think हमने नहीं इसी चैप्टर में आएगा, yes देर वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी स्टेप या फिर एग्रीकल्चर में आ चुका है कि अंडर दिस थिंग्स देर वर डिफरेंट फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड टू फार्मर एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट दे कैन एक्चुअली गेट नॉलेज फ्रॉम बहुत सारे यूनिवर्सिटीज तो हम हुए ही, पर उसके अलावा टोल फ्री नंबर जो है वो बना, कुछ ऐप जो है आई खेडूत करके एंड कृषि एंड ऑल, उसके अंदर में कुछ फार्मर्स को सारा नॉलेज दिया जाता था कि तुमको कहाँ से कौन से मार्केट से क्या अवेल करना है और उसको कैसे सेल करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये भी था कि कुछ रिवॉर्ड स्कीम्स, अब अंडर दिस रिवॉर्ड स्कीम्स क्या होता था कि द पीपल हु आर वेरी मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ठीक है, क्योंकि उनको मोबाइल मिले, उनको एप्स मिले, तो उनको उनका यूज़ करना है और उसी को यूज़ करके उनको अल्टीमेट जो भी मार्केट है सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स को वो लोग लिस्टिंग में ला सकते हैं। और इन रिवॉर्ड्स की वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी ऑफकोर्स अपलिफ्ट होगा कि द पीपल हु आर नॉट एबल टू डू वर्क इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यू टू लैक ऑफ मनी और ड्यू टू लैक ऑफ लैंड, उनको भी अंडर दिस स्कीम इट वॉज वेरी मच बेनिफिशियल टू देम ऑल्सो। और फार्मर्स को लेकर कुछ प्लान, फार्मर्स की नॉलेज को लेकर कुछ प्लान, उनके एडवांसमेंट को लेकर या इंडियन जो पूरा बैलेंस है उसको लेकर जो भी प्लान क्रिएट किए गए थे या हुए थे वो भी इन्हीं सारी स्कीम्स के तहत आए थे। ग्रामोदय टू भारत उदय थ्रू सच प्रोग्राम्स
farmer-oriented plans have been made to prevent loss faced by farmers due to wild animals damaging the crops by providing them economic help to build fencing to protect their crops. Production of grass for cattle at the time of crisis or drought, and to help to construct cattle shelter for rain forecasting and discovering mineral-rich regions through ultra-modern satellite or drone technique. Apart from providing animal husbandry, they have actually provided the shelters for the domestic animals like cows and cattle and everything. और इसके अलावा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ये भी था कि जो भी एरियाज या रीजन्स है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स अभी भी है, हालांकि बहुत सारी जगह से वैली इसमें से और सब जगह से बहुत सब चीज़ ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ ड्रोन एंड विद द हेल्प ऑफ एडवांस सैटेलाइट्स जो हमने भेजे थे स्पेस में, उससे ये पता करने की ट्राई की जाती थी और ये पता किया जाता है कि रेन जो है, रेन फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग तो उसी से होती है कि कब कब अच्छी रेन होगी कब नहीं होगी, तो अकॉर्डिंग टू जो भी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और जो भी क्लाइमेटिकल चेंजेस रिक्वायर्ड है फॉर द ड्यू प्रोपिशन और फॉर द क्रॉप्स एंड पल्सेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसा कि हमने एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 10 जो पूरा किया है, आई होप वो मिल जाए क्योंकि मैंने वो बहुत अच्छे से, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट चैप्टर हमारा वर्चुअली, तो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी और एक्सप्लेन की थी। आई डोंट नो उसके लिंक्स तुम्हारे पास है कि नहीं, क्योंकि वो शायद हमने स्कूल में नहीं किया था, वो मई में शूट हुआ था, तो बहुत अच्छे से वो जैसा फर्स्ट टाइम में हुआ है ना, आई डोंट थिंक विल ट्राई, बट बहुत वो चैप्टर पहला करवाने का रीज़न ये था क्योंकि हमको वाटर जो हमने अभी किया वाटर रिसोर्सेज उसमें वो चैप्टर यूजफुल था, अनएम्प्लॉयमेंट और उसमें भी उस चैप्टर को यूजफुल, उस चैप्टर की यूजफुलनेस थी, वाइल्ड लाइफ और जो भी कुछ चैप्टर्स थे को रिलेटेड, तो अगर तुमको वो पता होता तो तुमको इन सब चीज़ों में बहुत आसानी होती, इसीलिए वो चैप्टर बहुत डिटेल में और बहुत पहले करवाया था। एनी वेज आई होप कि तुम में से किसी ने वो एटलीस्ट कुछ लोगों ने वो देखा हो तो उनको पता चल रहा होगा कि अंडर दोज इरीगेशन फैसिलिटीज जो डिफरेंट इरीगेशन फैसिलिटीज थी, डिफरेंट फार्मिंग मैथड्स थी और डिफरेंट स्पेसिफिकली सिक्स काइंड ऑफ एग्रीकल्चर हमने जो किए थे, इसके अंदर जो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर करके था कि उसकी बहुत ज़्यादा टेक वी हैव टू टेक अटमोस्ट टेक केयर ऑफ फार्मिंग बिकॉज उसमें फ्रूट्स और वो सब इंक्लूड होता है, तो उस चीज़ों के लिए टेलीफोकास्ट और फॉरकास्टिंग ऑफ रेन, और हालांकि हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसी के तहत उसी मतलब इन स्कीम्स के तहत उसी चीज़ों को अपलिफ्ट किया गया जिससे कि हमको एग्री और उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन करके एक पूरा हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि वीट वॉज वेरी मच और नॉट ओनली वीट बट राइस एंड एवरीथिंग गॉट देयर शेयर इट, तो बहुत अच्छे से वो पार्ट में थे, तो उसको भी उन चीज़ों में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में भी इन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ था। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो इंडिया के अंदर आए उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का भी एक पार्ट है जो इस स्कीम्स के अंदर, रिवॉर्ड स्कीम के अंदर और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये जो तीन चैप्टर थे ना, दिस चैप्टर चैप्टर 17, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 10, वो वेरी मच रिलेटेड, उसके कुछ टॉपिक्स भी बहुत मज़ेदार हैं, तो मैंने तो हैंस आई होप कि तुम उसको देख कर ये करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, और बाकी तुमको इसमें समझ में आ ही रहा होगा हमने कैसे कैसे कौन कौन से टेक्निक्स यूज किए। प्रोविजन इज मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे, दे गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, एग्जांपल टू प्रोड्यूस ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रैक्टर, हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, computerization in agriculture, finance in society, set up new testing laboratory for production of cotton, pulses, spices, management to see that farmers get a suitable price, making ponds deep by removing soil from them, increasing... See, new testing laboratories, see, हमने एक पूरा पढ़ाई होता है, which is called botany. कि बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में तुमको पता होगा कि दे यूज टू
find different species and different kind of flowers, different plants, उसके अंदर कौन से soil की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से temperature के अंदर उनको रखना पड़ेगा, और उस तरीके से भी चीज़ें carry out होती हैं. तो different different testing laboratories जो थी वो बढ़ाई गई. ये जो education है agricultural sector के अंदर, botanical sector के अंदर, उन चीज़ों को भी बढ़ावा दिया गया. So that one could actually gain lots of things from advances. उसके बाद cotton pulses species जो भी अलग अलग condiments और उन सारे जो भी थे spices मतलब sorry from species उन सभी के species spices के अलग अलग जो भी species मिल रहे थे या pulses के अंदर जो भी सब कुछ मिल रहा था उन चीज़ों को भी टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाता था. और कैसे उसकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाए, कैसे जो प्रोसेस पूरा है उसको अपलिफ्ट किया जाए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए जो भी प्रोसेस किया जाना चाहिए, उन सभी चीज़ों में कैसे हम एडवांसेस ला सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल उन चीज़ों को बना सकते हैं, उसको कैसे एक्सपोर्ट्स के लिए रेडी बना सकते हैं, कैसे उसको उससे जो फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो और उस चीज़ों को कंज्यूम करने वाले लोग मतलब कि कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो, वैसे कैसे हम उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया और उस सेक्टर में भी देखा गया. उसके बाद मतलब कि दे हैव एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स दोज सेक्टर. देन सूटेबल मार्केट प्राइस, अब ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है क्योंकि ऐसा इन इंडिया वी यूज टू सी कभी कभी कुछ वेजिटेबल्स के प्राइसेस जो है वो एकदम हाई हो जाते हैं, पल्सेस के प्राइसेस कभी कभी बहुत हाई हो जाते हैं, डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू वेदर होता है. और कभी भी होर्डिंग भी होती है. होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि मतलब गुजराती में आपने कही तो वी यूज टू गो टू मार्केट एंड आपने सांभड़ी के माल ज नहीं, मार्केट में माल ज नहीं. ओके, तो इट इज़ वेरी मच फॉल्टी. ठीक है, उनको गोडाउन में छुपा दिया जाता होता तो है, मतलब फार्मर ने वर्क किया है, उसका अवेलेबिलिटी है मतलब कि सप्लाई है. अब तुमको कौन से चैप्टर में बोलो, हाँ अब तुमने किया तो है नहीं, बट अगेन लेट मी टेल यू चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में, मोर ओवर 15 में भी नहीं क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो हमने पहले कर लिया है आफ्टर चैप्टर 10. पर चैप्टर नंबर 16 जो हमने किया था, फर्स्ट स्कूल वीडियो जो तुम्हारे स्टार्ट होंगे उसमें वो चैप्टर होगा, तो उसके अंदर मैंने तुमको बोला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन बोली थी. और मैंने बोला था कि तुमको आगे जाके जब भी वो बड़ा टॉपिक होगा उसमें काम लगेगा. तो उसमें कैसा होता है कि उसमें हमने एक सीखा था कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइजेस कैसे होंगे, कम होंगे क्योंकि सप्लाई बहुत सारा है मार्केट में पर लेने वाले लोग नहीं है. अब सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ रही है मतलब डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा. मतलब सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम प्राइसेस कम, सप्लाई ज़्यादा डिमांड ज़्यादा प्राइसेस मॉडरेट, सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा प्राइसेस विल बी हाइक्ड. ठीक है, ये वाला एक कंसेप्ट जो था वो इधर भी होता है एप्लीकेबल कि अगर तुम मार्केट में आर्टिफिशियल अनअवेलेबिलिटी क्रिएट करोगे मतलब कि लैक ऑफ सप्लाई दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट के अंदर डिमांड है वो फ्लक्चुएट होकर एकदम हाइक पकड़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी जिससे प्राइसेस भी हाइक हो जाएंगे, 20 रुपये से सीधा 100 रुपये केजी, राइट, अकॉर्डिंग टू. तो उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऐसा नहीं जैसा हमारे इस बार के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि मैं तो ऑनियंस कंज्यूम नहीं करती हूँ, मुझे तो नहीं पता, ऐसा नहीं चलता. ठीक है, तो मार्केट के अंदर एक मॉडरेट प्राइस होना ज़रूरी है. फिर उसके अलावा बहुत सारे वाटर रिसोर्स चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है, मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन होता है और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर जो है उसको क्रिएट किया जाता है, डैम्स बनाए गए थे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फॉर्म हुए थे जिससे कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर को जितना ज़रूरी है उतना इरिगेशन फैसिलिटी मिले. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो है उसके अंदर हमने पूरा पढ़ा था. तो ये सभी चीज़ों को भी बनाया गया और 24 सॉइल है. ठीक है, एक और बात, हाँ हमने सॉइल इरोशन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ
उसी चार्टर में ना। तो ड्यू टू सॉइल इरोशन भी कभी कभी ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स माइंस या जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि यावन ने ये भी किया था इन एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कि टी कॉफी कोकोआ वो जो है वो स्लोप्स पे बने हुए थे, राइट, वो स्लोप्स पाए जाते हैं। सो उन चीज़ों को एक कंप्लीट न्यूट्रिशंस मिले उसके लिए वेदर मतलब क्लाइमेट एज वेल एज प्रॉपर इरीगेशन एंड प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो दे हैव टू डिग डीप वेल्स एंड पॉन्ड्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑल सच फैसिलिटी। तो कभी कभी हमने भी किया था, डैम्स का यही पर्पज था कि जिस जगह पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे मतलब फर्टाइल लैंड तो है पर वाटर नहीं है, तो फिर कैसे कुछ चीज़ उग सकती है। तो ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए और एग्रीकल्चरल सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने अंडरटेक की और इंडिया इज हेंस वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कंट्री। और ये सब इसलिए किया गया था, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों को करने वाले लोग ज़्यादातर फार्मर्स होते थे और फार्मर्स जो होते थे उनको पहले इतना रिटर्न नहीं मिलता था और इसीलिए वो रूरल एरियाज में होते थे और रूरल एरिया की पॉवर्टी ज़्यादा होती थी। तो उस पॉवर्टी को हटाने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पीएपी के अंडर ये सारी चीज़ें मतलब कि रूरल एरियाज को सबसे पहले बेनिफिट देने में काम लगने वाली थी, जिसके अंदर अनएजुकेशन मतलब जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है जो विचार इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया जाए, उनको बेनिफिट मिले ऐसा क्या किया जाए। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो फार्मर्स थे या फार्म लेबरर्स थे ये जितने भी लोग जो अनएजुकेटेड थे बट देवर एंगेज इन देयर डे ओल्ड फैमिली बिजनेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, उनको आगे जाकर क्या क्या नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिले और वो कैसे अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री का ग्रोथ भी होगा और पॉवर्टी जो है या अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें रिडक्शन होगा। इन सभी चीज़ों का यही एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, राइट, इसलिए ये सब कुछ जो चेंजेस है वो लाए गए इंडिया के अंदर। आई होप यू आर गेटिंग इट। Using drops and size, construction of farm pond, cleaning the canals and reservoirs for water storage and increasing their length, resettlement of water tank and repairing of check dams and increasing water storage capacity, etc., so that farmers may get employment during time apart from farming. At the same time, permanent property is set up in the rural area. Thus, central as well as state governments have tried to save farmers from debt by helping them through this scheme. और जैसा कि एक एज ओल्ड ट्रेडिशन चलता था बराबर लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है, तो उनमें भी दे बिकम इन डेट या फिर उन्होंने फार्मिंग करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ भी उधार लिया है या कुछ भी फिनेंशियल हेल्प ली है, उसका इंटरेस्ट नहीं भर पा रहे थे और वो सब था, और या फिर क्रॉप्स बर्बाद हो जाते थे तो उसकी वजह से इंश्योरेंस स्कीम्स प्रोवाइड की गई और जो गवर्नमेंट है वो ऐसी सब चीज़ें प्रोवाइड करती थी कि जिनकी वजह से जो है वो फार्मर्स को कभी भी लॉस भी हो जाए तो उनको हेल्प मिले। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छे से इन सारी स्कीम्स की वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दिस प्लान इज एन एफर्ट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द रूरल एरियाज विदाउट एनी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ओके, सो दीनदयाल उपाध्याय हॉल तो है ही, हमको तो उतना याद रखना है। और ग्राम ज्योति मतलब ग्राम मतलब गांव, गांव ना जिलों को है, ज्योति मीन्स लाइट। तो अंडर दिस स्कीम विच स्कीम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, योजना के नाम याद रखने बहुत ज़्यादा अज्ञान जरूरी, पूरी की पूरी योजना 3 मार्कर्स में आ सकती है या फिर एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड स्टेट द स्कीम्स और योजना विच आर अंडरटेकन अंडर पीएपी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो हेडिंग्स तो याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंडर में
रूरल एरियाज के अंदर 24/7 इलेक्ट्रिक सिटी प्रोवाइड करने का फैसला किया गया कि जहाँ पे शायद 2-3 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं होती थी उन जगहों पर अब 24/7 लाइट्स भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई या घर के अंदर लाइट्स, स्ट्रीट लाइट, सभी चीज़ों, ऑफकोर्स लाइट के बगैर चल सकता है क्या? नहीं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ानी है तो लाइट, तो इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी है, तो उस नेसेसिटी को फुलफिल करने का भी प्रोग्राम जो था, जिसकी वजह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकता है, वो भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंडर में अंडरटेक की गई। Hindrance 24/7 day and night providing electricity at homes and farms at concessional rates lay down new lines to take electricity facility for 18,000 villages which do not have electricity. Setting up new electricity substations and helping farmers by providing subsidy to purchase equipment for agriculture sector so that poor farmers can get support to increase income. Subsidy is also provided for obtaining electricity through solar energy and to purchase solar technical equipments. अब देखो, as we all know कि हमारे घर में बिल आता है, तो टॉरेंट पावर है या ये जो भी है UGBC है, उन इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सोर्स है वो भी एक लिमिटेड है, बट उसके बाद एक पूरा एक न्यू रिवोल्यूशनरी स्टेप आया कि जो बहुत सारे बंगलोज के अंदर या गवर्नमेंट ने ये बोला कि तुम जो सन है, सोलर एनर्जी है, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करो, सोलर पैनल्स लगाओ, जिससे बिल भी कम आएगा, और क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वजह से, जो सोलर पावर प्लांट्स की वजह से बहुत ह्यूज बेनिफिट हो रहा है हमारी, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की जो भी एसेंशियल, सपोज कि बहुत सारे मशीन्स हैं या बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनको तो खास ही रिक्वेस्ट की गई दैट यूज़ सोलर पावर एंड सोलर पैनल्स, और ये जो कैनल्स होती है ना, कैनल मतलब आई होप यू नो नर्मदा कैनल एंड ऑल दिस स्टफ है, उसके ऊपर भी ये सोलर पैनल्स लगा दिए गए कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए, और ऐसे एरियाज कि जहाँ पर, क्योंकि सूरज सन तो हर एक जगह होगा ना, शायद तुम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन ना कर पाओ, तो वहाँ पे सोलर पैनल्स लगा ही सकते हो कि जिससे जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, और उनसे बेनिफिट होगा फार्मर्स को, सभी को, कि जिससे इरिगेशन भी, जैसे कि हमने पहले बोला, बढ़े। तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एफर्ट्स किए गए और वो चीज़ें भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई। Integrated dairy development scheme for Chambal women for cattle rearing. See, cattle rearing जो होता है या फिर हम जितने भी हमको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो तो कहाँ से मिलते हैं? अमूल वालों ने भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था, तो उनकी जो भी डेयरीज जहाँ जहाँ पर भी है, वहाँ की जो लोकल रूरल एरिया है, जो लोग एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग के अंदर है, वो तो उन्हीं की प्रोडक्ट्स को जाकर तुमको उधर देकर आना है। ये गवर्नमेंट का और उनका टुगेदर दे मेड एन एफर्ट्स टूवर्ड्स लुकिंग टूवर्ड्स टू दिस थिंग्स, ठीक है, उनको ये सब चीज़ें करनी थी कैरी ऑन, और अंडर दोज थिंग्स मतलब अंडर दिस स्कीम्स वीमेंस जो है उनका अपलिफ्टमेंट, और डेयरी प्रोडक्ट्स या एनिमल हस्बेंड्री से भी जो भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है वो किया जाए। अंडर दिस प्रोग्राम हेल्प इज प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जियोपोनिक्स एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर टू हेल्प देम टू मेक प्रोविजन फॉर क्रूपर क्रॉप्स, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजिंग, एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। In this, helping farmers in registration, paying fees, help in purchasing farm products, arrangement for training and education of farmers, finance at low rate, arrangement for setting up proper market, etc., along with environmental protection and reduction in expenditure in agriculture sector are the major objectives of this scheme. How one can reduce the agricultural expenditure? तो ऑर्गेनिक चीज़ें तुम यूज़ करोगे तो वो ऑलरेडी नेचर से ही तुमको प्रोवाइड होती है, तो उससे वो भी, और ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करने से जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, मीन्स ऑल दोज थिंग्स आर गेटिंग बी प्रोवाइडेड, मतलब कि उस चीज़ का पहले तो नॉलेज दिया गया, ओके, द नॉलेज इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल व्हाई यू शुड इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स,
एंड अपार्ट फ्रॉम ओनली नॉलेज फिजिकली जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है या हाउ वन कैन क्रिएट एंड हाउ वन कैन यूज देम इन देयर रेगुलर फार्मिंग प्रोसीजर वो भी उनको प्रोवाइड किया गया. हाइब्रिड सीड्स जो है वो भी आगे आएगा. ठीक है, तो या ये हमने उस चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया है, एग्रीकल्चर चैप्टर में ही हमने कर लिया है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है वो उनको प्रोवाइड की गई अंडर ऑल दोस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के, जिसकी वजह से जो पूरा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो उसका एम क्या था कि रूरल एरिया की पॉवर्टी, क्योंकि पूरे पॉवर्टी को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में पॉवर्टी थी और रूरल एरियाज में जो सबसे ज़्यादा लोग एंगेज थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे, तो उन चीज़ों को कैसे कैसे करके कम किया जाए जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल एरिया बढ़े और वहाँ की पॉवर्टी कम हो, इस देखा गया. तो नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, हमारी पॉवर्टी यहाँ पर कंप्लीट होती है.